विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, सुप्रीम कोर्ट जो कि इस्लामाबाद में है, कंट्री की सबसे बड़ी कोर्ट है। क्वेश्चन 10, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास कितने किस्म के कानूनी दायरे हैं, उसके इख्तियारात का दायरा कितनी अकसाम का है। डिस्कस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का इख्तियारात, ज्यूरिसडिक्शन इख्तियारात, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का डिस्कस करें। 10/11/2012, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स जजेस, सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे अपॉइंट होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। व्हाट डू यू मीन बाय जोडिकेचे, जोडिकेचे या जोडिकेचर, जोडिकेचर का क्या मतलब है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का क्या मतलब है, यानी कि जुडिशरी का क्या मतलब है। जब ये सवाल आएगा तो आप हाई कोर्ट भी लिखेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट भी लिखेंगे। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाता है, उसकी क्वालिफिकेशन बताएं। आंसर, कंप्लीट आंसर, ऑडियो लेक्चर, कॉन्टैक्ट 0333-4655-305, व्हाट्सएप। दिस इज योर होस्ट एडवोकेट एम के भुट्टा। आंसर, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है, बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी कोर्ट भी यही है, आम मामलात की अपील भी ये सुनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिक क्वेश्चंस की अपील भी ये सुनेगी। प्रिंसिपल सीट इज़ इन इस्लामाबाद, जब कोई जज अपॉइंट होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तो उसकी मेजर सीट इस्लामाबाद में है, उसे अपॉइंट कहीं भी कर दें, ट्रांसफ़र कहीं भी कर दें, किसी भी ज्यूरी का हेड बनाकर कहीं भेज दें, लेकिन वापस वो इस्लामाबाद आएगा, पे इस्लामाबाद से लेगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अदर जजेस भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन अदर जजेस को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट कंसल्ट जरूर करेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कर दूँ इसको अपॉइंट या रहने दूँ। क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप हैं, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 15 ईयर्स, 15 साल आप एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट में, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक आप जज रहे हों हाई कोर्ट में, आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। ओथ, हलफ भी तो लेना है, जजेस बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट के आप जस्ट जज हैं तो आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आगे हलफ लेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं आप तो आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने हलफ लेंगे। रिटायरिंग एज 65 ईयर्स है। एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा एक्टिंग चीफ जस्टिस बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं भूलना। पावर्स, फंक्शंस, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, अपील सुनती है, फ्राम जजमेंट डिक्रीज फाइनल ऑर्डर्स और सेंटेंसेज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो डिक्रीज दिए हैं, फैसले दिए हैं, जो जजमेंट दी है उसके खिलाफ अगर अपील होगी तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है इसके पास,
जिस तरह हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन था, कहीं भी वो अपने अख्तियारात को इस्तेमाल कर सकती है। इसे सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, कैन अप्रोच टू एनी मैटर विदाउट रिगार्डलेस द अदर कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन, चाहे किसी भी कोर्ट के दायराकार में कोई मैटर, कोई पुलिस स्टेशन आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कहेगी करेगी और कहेगी पहले मैं, फर्स्ट आई विल सी और हेयर दिस मैटर। और इख्तियारात क्या हैं ज्यूरिसडिक्शन? सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब इख्तियारात, कानूनी दायरा। सो मोटो बहुत फेमस है, इफ्तखार चौधरी के साथ जुड़ी हुई ये बात है कि बहुत सो मोटो लेता था। सो मोटो का मतलब है जब जज, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट खुद कहे कि ये फिलहाल मामला मेरे सामने लेकर आया जाए, इस मामले को मैं खुद इंक्वायर करूंगा, खुद देखूंगा, चाहे कोई एप्लीकेशन दे, कोई सूट फाइल करे या ना करे, जब सुप्रीम कोर्ट खुद एक्शन ले ले, ऑन इट्स ओन मोशन आ जाए। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, इसके पास एडवाइजरी, एडवाइस का भी ज्यूरिसडिक्शन है। प्रेसिडेंट बाज़ुकात पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पर अपना ओपिनियन दे कि इस मामले को कैसे करना चाहिए। पेनामा लीक्स के अंदर अगर नाम आ गया प्रेसिडेंट का, नाम आ गया प्राइम मिनिस्टर का, तो प्रेसिडेंट पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले को कैसे हल करें, क्या करना चाहिए। रवियन पावर, कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया है तो फिर दोबारा अपने ही दिए हुए फैसले को रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसी केस को दोबारा खोल सकती है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आम ह्यूमन बीइंग, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करेगी कौन? सुप्रीम कोर्ट। टू इशू डायरेक्शन फॉर कंप्लीशन ऑफ जस्टिस, किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्शन दे सकते हैं कि इंसाफ मुकम्मल होना चाहिए। गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के महाफिज सुप्रीम कोर्ट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई आर्टिकल है, कोई सेक्शन है जिसके मीनिंग कोई और लिए जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहे, तो सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि इस आर्टिकल का क्या मतलब है। कंफ्यूजिंग कोई भी चीज़ होगी, सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला देगी, एक्सप्लेन करेगी। बाइंडिंग डिसीजंस, सुप्रीम कोर्ट किसी भी अपील या फैसले के बाद जो फैसला देगी, वो फैसला सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट फॉलो करेंगे। अक्सर वकील देखते हैं जज के सामने जाते हैं, रेफरेंस दे रहे होते हैं कि जनाब ऐसा केस जब हाई कोर्ट में आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, आखिर उसका फैसला यही हुआ, बंदे को फांसी देनी ही पड़ी, तो जज भी एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, इसे कहते हैं बाइंडिंग डिसीजंस। जर्नल बना दो इसका, डिसीजन को कहीं ना कहीं इकट्ठा करके पब्लिश कर दो। सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस ट्रांसफर कर सकती है हाई कोर्ट में या किसी और कोर्ट में, कि इसको फिलां कोर्ट, फिलां जज इस मामले को देखेगा। सुप्रीम कोर्ट का जब क्वेश्चन आए, आपने बताना है पाकिस्तान की कंट्री की सबसे बड़ी कोर्ट है, कोर्ट है, चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस होते हैं, प्रेसिडेंट सबका सबको सिलेक्ट करता है, इसके पास पावर्स हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन है इसके पास, रवियन पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं, बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं इनके, और केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं भी। नाइस ऑफ दी।